नमस्कार मित्रों, ओनली योजना में आपनु स्वागत छे। आजना महत्वना सांजना हवामान समाचार जाणीशुं। राज्य में सीजनों 69% थी वधु वरसाद खाबकी गयो छे। कच्छ में सौथी वधारे 117% वरसाद नोंधायो। गुजरात में सार्वत्रिक वरसाद वरसी रह्यो छे। अत्यार सुधी में 69% थी वधु वरसाद पड़ी गयो छे। 24 कलाकनी बात करिए तो सामान्यथी मध्यम वरसाद खाबक्यो छे। 24 कलाक में 189 करता वधु तालुका में वरसाद जोवा मळ्यो छे, जेमां 40 तालुका में नोंधपात्र वरसाद। सौथी वधु साबरकांठाना ईडर में 4 ઇંચ वरसाद जोवा मळ्यो छे। कुल 40 तालुका में 21 करता वधारे वरसाद जोवा मळ्यो छे। 26 जुलाई और 27 जुलाई बे दिवस गुजरात में भारे वरसाद केटलाक स्थळोए पण जोवा मळ्यो छे। राज्यना 32 जिल्लाना कुल 40 तालुका में 1 ઇંચ करता वधारे वरसाद नोंधायो छे। सौथी वधु ईडर तेमज पाटणना सरस्वती अरवली भिलोडा में 3.5 ઇંચ वरसाद पड़ियो छे। कच्छ में 117% वरसाद नोंधायो छे, तो दक्षिण गुजरात में सीजनों 82% वरसाद, उत्तर गुजरात में 55% थी वधु, सौराष्ट्र में 61% थी वधु वरसाद वरसी चूक्यो छे। मध्य पूर्व गुजरात में 60% जेटलो वरसाद, चोमासानी शुरुआत में ज सारो एवो वरसाद वरसता तंत्रए राहतनो श्वास लीधो छे। हवे राज्य में चोमासानी शुरुआत में सारो वरसाद पड़ियो छे। हवे वरसादनुं जोर घटशे अने वराप निकळशे। 27 जुलाई थी लई 3 ઓગસ્ટ सुधी गुजरात में वरसादनुं जोर घटशे। उत्तर गुजरात में मेघमहेर हजू पण यथावत छे। 2 કલાક માં દાંતામાં 3 ઇંચ કરતા વધારે વરસાદ પડી ગયો છે અને વડાલીમાં પણ ભારે વરસાદ જોવા મળ્યો છે। જનજીવન ઉપર પણ અસર જોવા મળી રહી છે, તો આગામી સમયમાં અશ્લેષા નક્ષત્રમાં પણ ભારે વરસાદના સંજોગો 4 ઓગસ્ટથી સર્જાશે। ગુજરાતભરમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। ફરી વખત મળશું નવી નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપશો। જય જવાન જય